हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फायरवॉल को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने पीनेट लैब के अंदर। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था सिस्को के राउटर एंड स्विचेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे पीनेट लैब के अंदर, कैसे हमने उसको इंस्टॉल किया है और कैसे हमने पीनेट लैब को सेटअप किया है अपने सिस्टम के अंदर। तो इस वीडियो में हमारे पास दो इमेजेस है, पालो आल्टो एंड फोर्टिगेट। पहले हम ट्राई करेंगे फोर्टिगेट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ओपन करना है एसएफटीपी क्लाइंट विनएचसीपी। तो विनएचसीपी को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में बैक पर जाएंगे। इसके बाद आता है क्यूएमयू। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्यूएमयू के अंदर हम अपने फायरवॉल के इमेजेस को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अपने डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने अपने फायरवॉल की इमेजेस को रखा हुआ है। तो वो सब है एच के अंदर। ओके करेंगे, ईवीएनजी सेटअप फाइल। अब है हमारे पास पिनेट लैब। पिनेट लैब के बाद आता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बट जब भी दोस्तों आप अपने फोर्टिगेट फायरवॉल को अपने पिनेट लैब के अंदर अपलोड करेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है। न्यू करके भी आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, या फिर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर ये पहले से आपको रखना होगा, यानी कि आपके जो फोर्टिगेट का फायरवॉल है उसको किसी डायरेक्टरी के अंदर रखना होगा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इमेज है हमारे फोर्टिगेट की, और मैं बैक आता हूँ अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फोल्डर नेम है वो स्टार्टिंग में है फोर्टीनेट, और जो कि स्मॉल में है ये आपका सेम होना चाहिए, उसके बाद हाइफन वो भी आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है फायरवॉल 6.4.4 या फोर्टीनेट 6.4.4, ये मैंने बेसिकली वर्जन दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपना नेम दे सकते हैं अपनी फायरवॉल की इमेज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फायरवॉल आ गया। अब हमें क्या करना है, एक फिक्स परमिशन की कमांड को रन करना है यहाँ पर, और अब हम चलेंगे अपने पीनेट लैब को लॉगिन करने। एडमिन पीनेट, यहाँ पर अभी हम डिफॉल्ट कंसोल लेने देते हैं, और यहाँ पर जेड एल, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एच टी एम एल। इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद चलते हैं टेस्ट लैब, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फोर्टीनेट। आप देख सकते हैं हमारे पास फोर्टीनेट की इमेज आ गई है यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर फायरवॉल नहीं दिया होता तो मुझे यहाँ पर 6.4.4 ये वर्जन दिखाई देता। और फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको करेंगे स्टार्ट। अभी हमारा फोर्टिगेट स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोबारा से स्टॉप हो गया। ये एक इश्यू आता है सब लोगों को, और ये समझ में नहीं आता है किसी को कि क्यों इश्यू आ रहा है, हमें क्या रीजन हो सकता है, और इसके लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो भी नहीं है जिसके थ्रू आपको पता लगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब हमने स्टार्टिंग में पील नेट को इंस्टॉल किया था तो वहां पर एक ऑप्शन था VTY का, वो हमने सिलेक्ट नहीं किया था, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। प्रोसेसर में जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं VTX वर्चुअलाइजेशन इंटेल, तो ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो अभी ग्रेड आउट है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पीनेट लैब को लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद हमने अपनी मशीन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, प्रोसेसर पर अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको मशीन को शट डाउन कर देते हैं। पावर ऑफ करेंगे इसको, पावर ऑफ, एडिट करेंगे अगेन, एडिट के बाद प्रोसेसर के बाद हम ये दोनों ऑप्शन वर्चुअलाइज सीपीयू, ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने DHCP सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका DH ऑप्शन कभी कभी चेंज हो जाता है IP का, मतलब IP आपको कुछ और मिल जाती है अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में जाते हैं। अगर आपने स्टैटिक सिलेक्ट किया हो तो आपका एक स्टैटिक IP क्रिएट हो जाता है।
अभी हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट हो रही है। अभी हमारी वीएम स्टार्ट हो गई है, तो अब हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एचटीएमएल कंसोल, पोर्ट 7, लॉगिन। इसको लॉगिन करने के बाद अब हम देखेंगे अपने फायरवॉल को। इसको हम अगेन स्टार्ट करेंगे। अभी अभी हमारा ये फायरवॉल स्टार्ट हो गया है और मैं करता हूँ इस पर डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फाइनली अपना फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमारा फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी इंस्टॉल नहीं, उसका कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उसका सीरियल नंबर दिखा रहा है हमारे फायरवॉल का, जो वीएम के थ्रू इसने उठाया है, और यहाँ पर इसका यूजर नेम, डिफॉल्ट पासवर्ड, सॉरी हमने यूजर नेम यहाँ पर गलत टाइप कर दिया, एडमिन, पासवर्ड नील होगा, और अगेन पासवर्ड में मैं सेट कर देता हूँ एडमिन। गेट सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पर हम इंटरफेस अपना चेक कर सकते हैं कितने इंटरफेस हैं। शो सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट 4 तक, यानी कि 4 पोर्ट है हमारे इंटरफेस के अंदर, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंटरफेस हमने चूज किए थे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फोर्टीनेट को मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं हम अपने पालो अल्टो पर। पालो अल्टो हमारा है, हम अगेन अपने विन एचसीपी को ओपन करेंगे। विन एचसीपी को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बैक जाना होगा हमें, हमने जहाँ पर अपने पालो अल्टो को रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पालो अल्टो -8.0.0.0। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग में पालो अल्टो होना चाहिए। कांट गेट एडवांस पालो अल्टो, ओके। तो मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ। ये दोस्तों हमसे इसलिए पूछा क्योंकि हमने अपनी मशीन को रिस्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ये पूछा कि आप अपना जो विन एचसीपी है उसको अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। मैं इसको स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद अगेन मैं अपने पालो अल्टो को यहाँ पर अपलोड करूँगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 15 से 20 सेकेंड, जब तक हमारा पालो अल्टो की इमेज यहाँ पर अपलोड होती है। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और हम चलते हैं अपने वीएनजी पर। दोस्तों एक चीज और, अगर आपको फिक्स परमिशन वाली कमांड याद नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपनी लैब को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर सिस्टम पर जाएंगे और सिस्टम सेटिंग और यहाँ पर फिक्स परमिशन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है, अगर आपको स्टॉप ऑल नोड करेंगे तो आपके ऑल नोड स्टॉप हो जाएंगे। नेटिव कंसोल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा, अगर आपको HTML कंसोल सिलेक्ट करना है तो आपका वो हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब कुछ चीजें ये आप कर सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर, ज्वाइन लैब सेशन, यहाँ पर लैब सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप अपना अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने मेन मेन्यू पर या रनिंग लैब पर। यहाँ पर हम ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद नोड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पालो अल्टो, और यहाँ पर इससे पहले मैं आपको दिखा रहा था फोर्टीगेट में मैंने फायरवॉल एक्स्ट्रा डाला हुआ था, आप यहाँ पर अपना वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ।
ओके करने के बाद पालो आल्टो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पालो आल्टो हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी स्टार्ट होने के बाद मैं इस पर करता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पालो आल्टो स्टार्ट हो रहा है। ये था दोस्तों फायरवॉल एंड स्विचेस के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि हमें अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज मशीन को कैसे अपलोड करेंगे और कैसे उसका फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से वो फाइल मिलेगा, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पालो आल्टो स्टार्ट होने के बाद दोस्तों इसका यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन होगा। एडमिन 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 दोस्तों ये पासवर्ड मुझे रॉन्ग बता रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूं, लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रॉपर इसकी सर्विस को स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं हमारे पालो आल्टो फायरवॉल में, तो आप वो ट्राई कर लेना। तो इसको मैं क्लोज करता हूं और इस फायरवॉल को स्टॉप करता हूं। जब भी आप कोई लैब करें अपने नोड को स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपरली। और यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन है, वर्कबुक यहाँ पर अपना आप वर्कबुक के नाम से कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। और वर्कबुक में आप क्या करेंगे तो आप ये देख लेना। और भी ऐड पेज, आप यहाँ पर पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप अपना एक वर्कबुक बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, यूजर मैनेजमेंट, यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं और वर्जन आप देख सकते हैं। यहाँ पर रोल मैनेजमेंट, मेन पर जाता हूँ मैं अगेन। मेन पर आपको सबसे एक बढ़िया चीज है यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर आप जाएंगे सिस्टम स्टेटस, यहाँ पर आप अपने लैब का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा टोटल रैम यूज हो रहा है 13%, 2% सीपीयू, डिस्क यूज हो रहा है 12%, तो ये सब आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। इसके बाद था दोस्तों हमारा एक वायर शार्क में इशू आ रहा था, है ना, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फायरवॉल हमने कैसे इंस्टॉल किया, कैसे उसको रन कर सकते हैं, कैसे आप अपने ईवीएनजी को सेटअप कर सकते हैं, नॉट ईवीएनजी, पीनेट लैब। अगर आपको जानना है कि ईवीएनजी को कैसे सेटअप करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।